वंदे मातरम। भारत माता की जय। ज्येष्ठ कांग्रेसी और साहित्यकार कन्हैयालाल मुंशी कहते हैं, विभाजन के बुरे दिनों में संघ स्वयं सेवकों ने पंजाब और सिंध में अतुलनीय वीरता दिखाई। हजारों स्त्रियों और बच्चों का मान और जीवन बचाया। संघ कट्टर राष्ट्रवादी संस्था है। कांग्रेस के शीर्ष नेता और भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास ने भी संघ की प्रशंसा की। सितंबर 1947 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सारे मंत्रियों को मार डालने की योजना बनाई थी। यदि संघ के स्वयं सेवकों ने नेहरू जी और सरदार पटेल को लीग की इस योजना की सूचना नहीं दी होती तो आज भारत की सरकार ही न होती, लाल किले पर पाकिस्तान का ध्वज होता और भारत के हिंदू गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किए जाते। मुल्क बटा और भड़की हिंसा सारी धरती लहूलुहान, मानवता की रक्षा करने गुरजी ने थामी कमान। मुल्क बटा और भड़की हिंसा सारी धरती लहूलुहान, मानवता की रक्षा करने गुरजी ने थामी कमान। जवानों ने भी जान लगा दी एक इशारे पर। संघ की जो पहले प्रतिज्ञा थी वो थी, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा कर हिंदू राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। जहां डॉक्टर हेडगेवार के समय में पूरा का पूरा ध्यान शाखा पर केंद्रित था, शाखाओं का विस्तार कैसे हो, शाखाओं के माध्यम से अधिक चरित्रवान, समर्पित और आदर्शवादी स्वयंसेवक कैसे निर्माण हो, इसकी बजाय यह जो संगठन तैयार किया है इस संगठन का लाभ अलग अलग क्षेत्रों में कैसे प्राप्त हो, इसकी कल्पना यह गुरुजी के नेतृत्व में संघ को प्राप्त हुई। और धीरे धीरे करके भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर वनवासी कल्याण आश्रम और फिर सेवा भारती, फिर शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर और एकल विद्यालय, और फिर राजनीति के क्षेत्र में आगे चल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गुरुजी से मिले तो उन्होंने भारतीय जनसंघ की कल्पना उन्हें दी। विभाजन के समय किए गए अद्भुत कार्य ने युवाओं में संघ के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया। पूरे देश में हुई गुरुजी की जनसभाओं में अपार भीड़ उमड़ी। अक्सर ये संख्या लाखों में हुआ करती थी जिसमें सामान्य जनता की भागीदारी ज्यादा थी।
संघ के तत्कालीन सहसर कार्यवाह बाला साहब देवरस कहते हैं, देश विभाजन के बाद सत्ता की राजनीति ने केंद्रीय नेतृत्व को अंधा बना दिया था। उन्होंने अपने आप को स्वार्थ, सत्ता प्राप्ति की चाह तथा प्रसिद्धि से दूर रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी सत्ता के लिए संभावित चुनौती मान लिया था। 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल अपने भाषण में कहते हैं, कांग्रेस में कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपनी सत्ता के बल पर संघ को कुचल डालेंगे। आखिर संघ के लोग चोर डाकू तो नहीं है, वे देशभक्त हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं। 14 जनवरी 1948 को मुंबई की विशाल जनसभा में गुरुजी ने कहा, दासता की काली रात्रि अभी समाप्त हुई है। हमारे नेताओं के कंधों पर नए दायित्वों का बोझ है, नया काम है। हो सकता है वो कुछ भूल भी कर बैठे, परंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि वे हमारे अपने हैं। कांग्रेसी नेता और साहित्यकार बनहट्टी नागपुर के साप्ताहिक समाधान में लिखते हैं, संघ की संगठित शक्ति, देशव्यापी विस्तार और स्वयं सेवकों द्वारा प्रदर्शित संयम जैसे दुर्लभ गुणों को कांग्रेस चुनौती मानने लगी थी। जिन आध्यात्मिक गुणों के कारण कांग्रेस स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, संघ में उन्हीं गुणों का विकास कांग्रेस को अस्वस्थ कर रहा है। और तभी कांग्रेस को संघ पर प्रतिबंध लगाने का कारण मिल गया। उसी रात गुरुजी ने नेहरू, पटेल और देवदास गांधी को तार भेजकर गांधी हत्या की भर्त्सना की। प्राणघातक क्रूर हमले के फलस्वरूप एक महान विभूति की दुखद हत्या का समाचार सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा। वर्तमान कठिन परिस्थिति में इससे देश की अपरिमित हानि हुई है। अतुलनीय संगठन के तिरोधान से जो रिक्तता पैदा हुई है उसे पूर्ण करने और जो गुरुतर भार कंधों पर आ पड़ा है उसे पूर्ण करने का सामर्थ्य भगवान हमें प्रदान करे। गुरुजी ने सभी संघ शाखाओं को 13 दिनों का शोक रखने का आदेश दिया, यहाँ तक कि नागपुर और दिल्ली में संघ ने शोक सभाओं का आयोजन किया। संघ ने गांधी हत्या की भर्त्सना करते हुए सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि नथुराम गोडसे संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं। इसके बावजूद स्वयंसेवकों और संघ कार्यालयों पर हमले होने लगे। गुरुजी, आप हमें अनुमति दें, हम अभी इन्हें ठिकाने लगाते हैं। मेरे निवास के सामने मेरी सुरक्षा के लिए अपने ही बांधवों का रक्त बहे, ये मैं नहीं चाहता। जाइए, आप अपने घर जाइए। आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। पूजनीय महात्मा गांधी जी की हत्या सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और अत्यंत दुख का अवसर था, परंतु ये बहुत दुख की बात है कि अपने देश के उस समय के वंदनीय नेताओं ने भी इसको एक अवसर के रूप में उपयोग किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दबाने के लिए। सब लोग जानते थे इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में जब महात्मा जी रहते थे तब बड़े विश्वास से वहां के स्टेट कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी जी की सुरक्षा का भार संघ के स्वयंसेवकों को सौंपा था। महात्मा जी के बारे में और संघ की भावनाएं उनके मुसलमानों के प्रति रवैये के साथ मतभेद होते हुए भी अत्यंत श्रद्धा की थी। संघ ने गांधी जी को मारा। डॉक्टर हेडगेवार के प्रति नागपुर में समान आदर सब लोगों के मन में था, लेकिन उस भावना के आवेग में और लोगों को भड़काकर उनकी समाधि को भी तोड़ा गया। गुरुजी के घर पर हमला हुआ, गुरुजी के प्राणों को भी खतरा था। जहां जहां संघ का काम था वहां ये ताकत थी कि वो इसका प्रतिकार कर सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके।
परंतु यहाँ गुरु जी की और संघ की एक अपनी अनोखी दृष्टि दिखाई देती है कि हम जिस समाज के लिए काम करते हैं, वो समाज अगर हमारा कुछ करना चाहे तो हम उसके प्रति और किसी प्रकार की कटुता द्वेष नहीं रखते हैं, हम उसके निर्णय के प्रति अपने आप को शरण कर देते हैं। आपको गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।